के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूँ। छठगण, विगत कक्षाओं में हम लोग मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। छठगण हेडिंग बनाइएगा, मुगलकालीन कृषक लिखिए। मुगल काल में कृषकों को निम्न भागों में विभाजित किया गया था। नंबर एक, ऐसे कृषक जो अपने गांव की भूमि में खेती का कार्य करते थे खुदकास्त कहलाते थे। पाही कास्त लिखे, दूसरे या अन्य गांव में जाकर कृषि कार्य करने वाले कृषकों को पाही कास्त कहते थे। मुजरियान, खुदकास्त कृषक की भूमि को किराए पर लेकर कृषि कार्य करने वालों को मुजरियान कहा जाता था। छठगण, मुगल काल में जो कृषक के तीन प्रकार थे छठगण, है ना, खुदकास्त जो अपने स्वयं की भूमि पर स्वयं के गांव में कृषि का कार्य करते थे उसे खुदकास्त कहा जाता था। पाही कास्त जो दूसरे गांव में जाकर दूसरे की भूमि पर कृषि का कार्य करते थे उसे पाही कास्त कहा जाता था। मुजरियान खुदकास्त की भूमि को किराए पर लेकर जो कृषि का कार्य करते थे उसे मुजरियान कहा जाता था। छठगण, सभी चीजों को याद रखेंगे, सभी चीजों को ध्यान देंगे, सभी चीजों को मनन करेंगे, सभी चीजों का स्मरण करेंगे, सभी चीजों को छठगण याद रखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी, ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा और एक एक चीजों को छठगण याद रखना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, इसलिए आपको इन सब चीजों पर पैनी निगाहें रखनी होगी, है ना। नेक्स्ट लिखेगा छठगण हेडिंग बनेगा, मुगलकालीन सिक्के। देखिए, मुगल काल में अर्थव्यवस्था का आधार छठगण मुगलकालीन सिक्के हेडिंग आपका बनेगा। मुगलकालीन सिक्के जो कि अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे, छठगण ध्यान रखिएगा, लिखिएगा, सोने के सिक्के
को दीनार कहा जाता था, नेक्स्ट चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, कहा जाता था। नेक्स्ट सर्वाधिक टकसाल और सबसे ज्यादा सिक्के औरंगजेब के कार्यकाल में जारी किए गए थे, कार्यकाल में जारी किए गए थे। नेक्स्ट मुगल काल में जहांगीर द्वारा सिक्कों पर स्वयं तथा नूरजहां की आकृति तथा नाम अंकित किए गए थे, नेक्स्ट शाहजहां के शासनकाल में आना आना नामक सिक्के का प्रचलन किया गया था, आना नामक सिक्के का प्रचलन किया गया था। तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था, मुगल काल में सोने का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था, नेक्स्ट अकबर के कुछ सिक्कों पर राम सीता की मूर्ति तथा राम सिया लिखा होता था, यह है छतगन मुगल काल में जारी किए गए प्रमुख सिक्के और उससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलू। छतगन क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, पूछेगा मुगल काल में सबसे ज्यादा टकसाल और सबसे ज्यादा सिक्के किसके कार्यकाल में जारी किए गए थे, तो छतगन मुगल काल में सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए थे औरंगजेब के कार्यकाल में, सबसे ज्यादा टकसाल भी औरंगजेब के समय में थे। पूछेगा मुगल काल में आना नामक सिक्का किस शासक ने जारी किया था, शाहजहां ने। मुगल काल में किस शासक ने अपने तथा अपनी पत्नी के नाम और आकृति से युक्त सिक्के जारी किए थे, जहांगीर और नूरजहां ने, ध्यान रखेंगे। मुगल काल में सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था।
जलाली नामक सिक्का अकबर ने जारी किया था, है ना। मुगल काल में इलाही नामक सिक्का सोने का सबसे प्रचलित सिक्का था, इसे भी आपको छतगन ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, गौर करेंगे छतगन, है ना। नेक्स्ट आइएगा छतगन अगले टॉपिक की ओर, मुगल कालीन प्रशासन लिखेगा छतगन, केंद्रीय प्रशासन लिखे, राजा को बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को वकील या वजीर कहते थे। नेक्स्ट, वित्त विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी को भी वजीर कहते थे। नेक्स्ट, सैन्य विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी को मीर बख्शी कहते थे। नेक्स्ट, धार्मिक विभाग एवं दान विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी को सद्र उस सुदूर कहते थे। नेक्स्ट, गुप्तचर विभाग के प्रमुख को दारोगा ए डाक चौकी कहते थे। नेक्स्ट, तोपखाने के प्रमुख को मीर आतिश कहते थे। नेक्स्ट, राजस्व विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी को दीवान कहा जाता था। जल सेना के प्रमुख पदाधिकारी को मीर बहरी कहते थे। नेक्स्ट, आम जनता के
चरित्र के बारे में जानने के लिए तथा उन्हें चरित्रवान बनाने के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी उसे मुहत्सिब कहते थे, मुहत्सिब कहते थे। नेक्स्ट, हरिमणि का प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन लिखे। मुगल साम्राज्य में अकबर ने सबसे पहली बार, अकबर ने सबसे पहली बार मुगल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित करने का कार्य किया था, किया था। नेक्स्ट, अकबर के समय 15 प्रांत थे। जहांगीर के समय 16, शाहजहां के समय 18 तथा औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा 21 प्रांत थे। प्रांतों के प्रमुख को सूबेदार कहा जाता था। सूबेदार कहा जाता था। प्रांतों के अंतर्गत जिले होते थे। जिले को सरकार कहा जाता था, सरकार कहा जाता था, कहा जाता था। जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी को फौजदार तथा राजस्व पदाधिकारी को अमल गुजार कहते थे। नेक्स्ट, जिले के नीचे परगना होता था। परगने के प्रशासनिक पदाधिकारी को सिकदार, परगने के प्रशासनिक पदाधिकारी को सिकदार तथा राजस्व पदाधिकारी को आमील कहते थे। नेक्स्ट, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जहां खुद दिल्ली शब्द में पहुंच चुके हैं आप छतगन, चौधरी, मुकदम, पटवारी,
खुद चौधरी मुकदम पटवारी जैसे पदाधिकारी कार्य करते थे नेक्स्ट लेकिन शतगन मुगल कालीन न्याय प्रशासन लिखिए न्याय विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी को काजी उल कुजात काजी उल कुजात कहते थे नेक्स्ट राजा न्याय विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी था तथा अंतिम न्याय राजा के द्वारा ही दिया जाता था छतगन क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा मुगल काल के जितने भी केंद्रीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम आपको लिखाए गए हैं छतगन सभी पदाधिकारियों के नाम और उनके विभाग को आपको याद रखना होगा सैन्य विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी मीर बख्शी है ना छतगन वित्त विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी वजीर प्रधानमंत्री को वकील एवं वजीर के नाम से जाना जाता था ध्यान रखिएगा छतगन मुगल काल में तोपखाने के प्रमुख को मीरे आतिश कहा जाता था मुगल काल में जो है गुप्तचर विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी को दरोगा डाक चौकी धार्मिक और दान विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी को सद्र उस्तुदूर के नाम से जाना जाता था न्याय विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी को काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता था मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के तहत प्रांतों के सर्वोच्च पदाधिकारी को सूबेदार कहा जाता था छतगन मुगल साम्राज्य को सबसे पहली बार प्रांतों में बांटने वाला शासक कौन था अकबर था अकबर के समय में छतगन 15 प्रांत थे जहांगीर के समय 16 थे शाहजहां के समय 18 थे और औरंगजेब के समय में 21 थे ध्यान रखेंगे छतगन पूछेगा सबसे ज्यादा मुगल प्रांत किस शासक के शासनकाल में थे औरंगजेब कितने थे 21 थे ध्यान रखेगा छतगन प्रांत जिले में बटे थे जिले को सरकार कहा जाता था छतगन जिले के सर्वोच्च जो पदाधिकारी होते थे उसे फौजदार कहा जाता था प्रशासनिक पदाधिकारी को और अमल गुजार कहा जाता था छतगन जिले के सर्वोच्च राजस्व पदाधिकारी को उसी प्रकार छतगन परगना के भी पदाधिकारियों के नाम आपको याद रखने होंगे गांव के भी पदाधिकारी खुद चौधरी मुकदम पटवारी के नाम भी आपको याद रखने होंगे ये सभी नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छतगन इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी और एक एक चीजों को ध्यान देना होगा है ना अब लिखिएगा छतगन मनसबदारी प्रणाली अंतिम टॉपिक है छतगन मुगल कालीन साम्राज्य मुगल कालीन जो है टॉपिक का ये इसके बाद मुगल साम्राज्य खत्म हो जाएगा मनसबदारी प्रणाली लिखे भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने चंगेज खां के दशमलव प्रणाली से प्रेरित होकर की थी नेक्स्ट मुगल शासक अपने करीबी व्यक्तियों को घोड़े एवं सैनिक प्रदान करते थे जिसे मनसब कहा जाता था
कहा जाता था। नेक्स्ट तेगनिशन, मनसब की निम्न श्रेणियां थी। नंबर एक, 10 से 500 का मनसब प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहते थे। नेक्स्ट, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को उम्रा कहते थे, उम्रा कहते थे। नेक्स्ट, 2500 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर ए उम्दा, अमीर ए उम्दा या अमीर ए आजम आजम कहते थे, अमीर ए आजम कहते थे। नेक्स्ट, जहांगीर ने मनसबदारी प्रणाली में परिवर्तन करते हुए दो अस्पा, सी अस्पा, दो अस्पा सी अस्पा, इनवर्ट कॉमा अंडरलाइन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, दो अस्पा सी अस्पा प्रणाली की शुरुआत की, प्रणाली की शुरुआत की, जिसके तहत एक सैनिक को दो घोड़े दिए जाते थे, दो घोड़े दिए जाते थे। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा तथा सबसे बड़ा मनसब औरंगजेब ने प्रदान किया था, सबसे ज्यादा तथा सबसे बड़ा मनसब औरंगजेब ने प्रदान किया था। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के कार्यकाल में थे, जिनकी संख्या 1/3 अर्थात 33% थी, 1/3 अर्थात 33% थी। छठम क्या सवाल आएंगे, गौर कीजिएगा, भारत में मनसबदारी प्रणाली के शुरुआत किस शासक ने की थी, अकबर ने, किससे प्रेरित होकर की थी, मंगोल शासक चंगेज खां की दशमलव प्रणाली से प्रेरित होकर के शुरू की थी। क्या था मनसबदारी प्रणाली छात्रगण, जो व्यक्ति राजा के जितना करीब होता था उसे सैनिक और घोड़े दिए जाते थे। छात्रगण, जो राजा के जितना ज्यादा करीब और विश्वासपात्र होता था उसको उतना ही उच्च मनसब दिया जाता था, अर्थात जो राजा के जितना करीब है उसे उतना ही ज्यादा सैनिक और घोड़े दिए जाते थे। किसी को 5000 दिया जाता था तो 5000 घोड़े 5000 सैनिक उसके साथ हमेशा रहते थे, किसी को 10000 का दिया जाता था तो 10000 घोड़े 10000 सैनिक उसके पास रहते थे। ध्यान रखिएगा, इसे ही मनसबदारी प्रणाली कहा जाता था।
छतगन। जहांगीर ने इसमें क्या किया, एक नई प्रणाली शुरू की, दो अस्पासी अस्पा। पूछेगा मनसबदारी प्रणाली में दो अस्पासी अस्पा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, जहांगीर ने। क्या था दो अस्पासी अस्पा प्रणाली, छतगन। दो अस्पासी अस्पा प्रणाली के तहत एक सैनिक के साथ दो घोड़े रहते थे, है ना, यही था दो अस्पासी अस्पा प्रणाली। पूछेगा मुगल काल में सबसे ज्यादा मनसबदार किसके समय में थे, औरंगजेब। सबसे ऊंचा मनसब, सबसे हाई लेवल का मनसब किसने प्रदान किया था, औरंगजेब ने प्रदान किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा छतगन। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किसके समय में थे, औरंगजेब के समय में थे सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा, इसे भी आपको याद रखना होगा छतगन। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, आपको मनन करना होगा, आपको याद रखना होगा, आपको गौर करना होगा और एक एक चीजों को ध्यान में रखना होगा छतगन। जिस व्यक्ति को मनसब दिया जाता था उसे क्या क्या नाम दिए जाते थे छतगन, जिस व्यक्ति को जो है 10 से 500 की संख्या में घोड़े और सैनिक दिए जाते थे उसे मनसबदार कहा जाता था छतगन। जिसे 500 से 2500 तक का घोड़े और सैनिक मिलते थे उसे उम्रा कहा जाता था। जिसे 2500 से ऊपर, जो कि राजा का सबसे विश्वास पात्र होता था, मिलते थे उसे अमीर ए उम्दा या अमीर ए आजम कहा जाता था छतगन। ये मनसब की कैटेगरियां थी जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला 10 से 500 मनसबदार, 500 से 2500 उम्रा और 2500 से ऊपर अमीर उम्दा या अमीर आजम। तो छतगन आपको ये ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा, याद रखना होगा कि मनसबदारी प्रणाली का जन्मदाता कौन था, अकबर। किससे प्रेरित होकर के किया था, चंगेज खां की दशमलव प्रणाली से प्रेरित होकर के किया था। अकबर ने भारत में पहली बार मनसबदारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली के तहत क्या किया जाता था, राजा के विश्वासपात्र व्यक्तित्व को घोड़े और सैनिक दिए जाते थे। दो अस्पासी अस्पा प्रणाली किसने शुरू की थी, जहांगीर ने। सबसे ज्यादा मनसब और सबसे उच्च मनसब किसने दिया था, औरंगजेब ने। सबसे ज्यादा हिंदू मनसब किसके समय में थे, औरंगजेब के समय में थे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यह है छतगन। मुगल काल में जुड़े हुए हर चीजों का हम लोगों ने विस्तृत और गहन अध्ययन किया, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, प्रांतीय प्रशासन हो, केंद्रीय प्रशासन हो, न्याय प्रशासन हो, राजनीतिक अवस्था हो, कला एवं संस्कृति हो, साहित्य हो, है ना, अर्थव्यवस्था हो, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल्स में अध्ययन किया। इसके बाद छतगन हम लोग एक नए विषय की शुरुआत, एक नए कक्षा की शुरुआत करेंगे मुगल साम्राज्य के बाद, है ना, हम लोग नई कक्षा की शुरुआत अभी तुरंत करने जा रहे हैं छतगन। छतगन मुगल साम्राज्य के अधीन आपने बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के सारे इतिहास को जाना है और इन सारी चीजों को आपको छात्रगण आत्मसात करना है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। इसलिए मुगल साम्राज्य अपने आप में परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। और मुगलकालीन राजनीतिक अवस्था, कला एवं संस्कृति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सारे चीजों को छात्रगण बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो आप कहीं से भी मुश्किलों का सामना नहीं करें, ध्यान देंगे छतगन। कक्षाओं को आज हम लोग यहीं पर विराम लगाते हैं, इसके बाद छतगन किसी नए टॉपिक की ओर हम लोग प्रवेश करेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तब तक के लिए आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।